ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति स्वराज्याधिकारी है और सबसे पावरफुल स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की है। बाबा ने हमें जन्म देते ही हमारी जन्मदिन की गिफ्ट हमें प्रदान की थी, सर्वशक्तियां। ऐसी सुंदर गिफ्ट संसार में तो और कोई दे भी नहीं सकता, किसी के पास भी नहीं है। हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमारे पास परमात्म शक्तियां हैं, सर्वशक्तियां हैं। उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सर्वशक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं। सोचे जरा, जब शंकराचार्य ने संन्यास लिया, छोटी आयु थी, वो अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखकर अपनी आठों सिद्धियां उन्हें प्रदान कर दी और उन आठ सिद्धियों के बल पर शंकराचार्य जी संसार में बड़े बड़े काम करने में सफल हुए, मात्र 32 साल की आयु तक। कितनी बड़ी चीज है। एक मनुष्य गुरु ने अपने शिष्य के सिर पे हाथ रखकर सब सिद्धियां दे दी और वो बड़े बड़े काम कर गए। सोचो, हमारे सिर पर किसने हाथ रखा है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बाद कोई नहीं है। उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी सारी शक्तियां आज से तुम्हारी। हम इस नशे में आ जाएं, हम इस स्मृति में आ जाएं कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपनी समस्त शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं। वो हमारे पास हैं, हमारे बुलावे पर वो हाजिर हो जाती हैं। पर हमें याद रखना है, शक्तियां किसके बुलावे पर हाजिर होंगी, जो स्वमान की सीट पर सेट होंगे। बिना सीट के कोई किसी का ऑर्डर नहीं मानता। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है तो सब मानते हैं, कल उतर गया तो कोई नहीं मानता। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहें। तो ये दो अभ्यास बहुत अच्छे हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं वही स्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं, और स्वराज अधिकारी तो सर्वोच्च स्थिति है, जिसमें हम मन पर, बुद्धि पर, कर्मेंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर राज करने लगते हैं, जिसमें हम इस देह रूपी प्रकृति के पूरी तरह मालिक बन जाते हैं। देह से न्यारा होना हमारे लिए एक आनंद का विषय बन जाता है, सेकंड का काम हो जाता है, जो पास विद ओनर होने वालों की पहली पहचान है। तो हम सभी स्वराज अधिकारी बनेंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर, अर्थात इस नशे में स्थित होकर, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियों की मालिक भी हूँ। फील करें, मैं मालिक हूं। ये मालिकपन की फीलिंग, इसको बहुत गहराई से रियलाइज कर लें, मालिक अधिकारी, तो स्वयं के भी मालिक, शक्तियों के भी मालिक। मान लो निर्णय शक्ति नहीं है तो आह्वान कर सकते हैं, बस संकल्प करें, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, हे मेरी बुद्धि परफेक्टली काम करो, अपने निर्णय शक्ति को इमर्ज रखो। मेरे पास सहन शक्ति की कमी है, सहन शक्ति का आह्वान करें, हे सहन शक्ति तुम तो मेरी शक्ति हो, सदा मेरे साथ रहो। और संकल्प कर लें, मैं तो सहन शक्ति से भरपूर सहनशीलता की देवी देवता हूँ। तो ये सभी चीजें काम करने लगेंगी। आज सारा दिन हम स्वयं को ये स्वमान देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वराज अधिकारी हूँ, मन का मालिक हूँ, विशेष रूप से मालिक हूँ। हे मेरे मन, तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग बढ़ाते चलें, तो सारा दिन ये दो स्वमान अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
स्वराज्यधिकारी और स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य शक्तियों के मालिक, जिससे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मुझ आत्मा से, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी और मुझसे चारों शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, इस गुड फीलिंग में सारा दिन रहेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे और स्वयं को शक्तियों से संपन्न और अपने मालिक बनाएंगे। ओम शांति।